वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे प्रो कबड्डी लीग के होने वाले मैच के बारे में। मैं कार्तिक साला और आप है वैभव लुल्ली वाला। धन्यवाद साले। आज हमारे मेहमान हैं दबंग दिल्ली के खास प्लेयर माने जाने वाले, लेकिन पिछले मैच में घोटों पे चोट लगने के कारण आज वो हमारे साथ मौजूद है कमेंट्री बॉक्स में। अपना पहला कवरेज करते हुए प्रदीप कटड़ा, या यू कह लो प्रदीप। वेल सेड। ऑलराइट प्रदीप जी, जैसा कि सब जानते हैं कि इनको काफी कम बोलने की आदत है, हम बै इसलिए फैंस आपको बैल बुद्धि झूठा बुलाते हैं, राइट? कह दिया गले कदे गले। लेकिन प्रदीप जी, मुझे लगता है कि आप में थोड़ी बहुत समझदारी बाकी है ना। ओके तो प्रदीप जी, हमें बताइए आपका गोटा कैसा है? कौन चाड़ा? वेल, जिसमें आपको चोट लगी है, क्या हाल है उसके? वो तो सूज गया नहीं भाई? यस राइट। कटड़ा जी, हम आपको फील्ड पर वापस कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी सूजन उतर जाए। राइट, वी विश के आपके गोटे बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। और चलिए आगे बढ़ते हुए हमसे साझा कीजिए कि स्पोर्ट्स किट के बिना सूट एंड टाई में आपको कैसा लग रहा है? ना भाई, गड़ा मीठा लागो सूट नहीं भाई। ऑलराइट, आपको ये कहने की जरूरत नहीं थी। वेल, यू मुंबई के प्लेयर काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। प्रदीप जी, आप देखेंगे इनका डिफेंस कितना मजबूत हो गया है। दो प्लेयर आगे बैक होल्ड के लिए और दो ही प्लेयर पीछे एंकल होल्ड के लिए हैं। तो क्या आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे प्रदीप जी? नो! आज त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फैंस से खचाखच भरा हुआ है। प्रदीप जी, आपके दोस्त कालू भी यहाँ पर टीम सपोर्ट करने आए हुए हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? कालू गंडू है। नहीं, ऐसा मत कहिए, क्योंकि उनकी बगल में उनके पिताजी मौजूद हैं। वो उससे बड़ा गंडू है। नो प्रदीप जी, बिफोर यू से दैट, आपको पता होना चाहिए कि उनकी बगल में आपके पिताजी मौजूद हैं। यस भाई, मेरा बाप सबसे बढ़िया इंसान है, ईमानदार है, मेहनती है, जंगला में रहकर देश की रक्षा करता। मेरा बाप सबकी मैं दिया उसने, मेरे सबकी मैं सैल्यूट है मेरे बाप ते। Yes, right. Salute to our soldiers. और इस वीडियो से जब भी कभी भी कोई पैसा आएगा, वो सारा सामाजिक नेक काम में जाएगा। बिल्कुल साले जी। Right. तो आइए नजर डालते हैं डीडी के स्टार प्लेयर दीपक नरवाल पर, या यूं कह लीजिए दीपक। तो फैंस को काफी उम्मीदें हैं दीपक की परफॉर्मेंस से। राइट प्रदीप जी, आपका क्या मानना है इनकी परफॉर्मेंस को लेकर? भाई गजब, पिस्टन पार जाकर है, परफॉर्मेंस तो बढ़िया होगी इसकी। ठीक ठाक ले रहा भाई, 7-8 इंच का ले रहा हूँ। नो नो जी, ये नेशनल टीवी है, अभद्र मत बोलिए प्लीज। मैंने खुद देखा सावर में भाई, स्वाद वाली चीज ले रहा हूँ। वेल, यू मुंबा काफी अच्छी पोजीशन में नजर आ रही है और उनको हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। प्रदीप जी, मान लीजिए कि आप दबंग दिल्ली के कोच हैं, तो आप मैच से पहले अपने प्लेयर से क्या कहेंगे? पर मैं कोच थोड़ी ना हूँ। नहीं भाई, राइट यस, पर फर्ज कीजिए आप कोच हैं, तो आप टीम से क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि सॉरी भाइयों, थारा कोच मर लिया है, इब तक मैं हूं थारा कोच। नो प्रदीप जी, आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप कोच क्यों बने। लेट्स ट्राई इन अ डिफरेंट वे। मान लीजिए ये लुल्ली वाले दबंग दिल्ली के एक प्लेयर है, तो आप इन्हें मैच से पहले क्या सलाह देंगे? ना भाई, इसके बस की कोन्या, यूं गणा पतला सा है। अच्छा ठीक है, अब फिर भी मान लो मैं टीम में हूँ, आप क्या सलाह देंगे मुझे? मैं सलाह दूंगा दोस्त, तू घना पतला सा है, तना चेंज करना पड़ेगा। ओके ठीक है, मैंने मान लिया मैं पतला हूँ, लेकिन अब कार्तिक साला भी टीम में है, तो आप इन्हें क्या कहेंगे? मैं साले से कहूंगा सॉरी भाई, तेरे दोस्त ने बदलना पड़ेगा, यू घना पतला सा है। ओके, ये पूरा कोच वाला सिनेरियो भूल जाइए। अब आप कोई कोच नहीं है, आप एक नॉर्मल प्लेयर है प्रदीप कटड़ा। तो मैच से पहले टीम को आप क्या सलाह देंगे? ना वो तो कोच का काम था। नहीं भाई, ना। अब जाहिर है कि फैंस आपको बैल बुद्धि झोटा क्यों बुलाते हैं, और माँ की कसम हमें बहुत खुशी होगी कि आने वाले 10 मैचों तक आप हमारे साथ यूं ही बने हुए हैं। राइट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटा दबा के रखिए।